मल्टी फेसेट्स का डी स्टूडेंट ये मतलब है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर देखा जाता है जैसा कि दे इंक्लूड सच डाइवर्स एक्सप्लोसिव लॉस स्टेंडर्ड्स कोड रेडिएशन एड्स प्रोडक्ट सेफ्टी एंड लाइबिलिटी एगोनिक्स एथिक्स ऑटोमेशन ये जितने भी कॉन्सेप्ट के मैंने नाम लिए हैं इन सब के ऊपर मॉडर्न सेफ्टी एंड हेल्थ के इफेक्ट्स देखे गए हैं और ये भी देखा गया है कि जो वर्कर्स कंपनसेशन है और एवर चेंजिंग मल्टी एटीट्यूड है उसमें यह इंशोर बात की जाती है कि जो एम्प्लॉज ऑर्गेनाइजेशन में कम एक्सीडेंट्स का बायस बनता है जो हेल्दी वे में जॉब परफॉर्म करता है या जिसकी कंप्लेंट्स कम हैं उसको कंपेरेटिवली बेटर रेटिंग्स में रखा जाता है एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉज सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है the most important member of safety and health team is its manager manager is the person who will get work from other employees or subordinate while utilizing the resources of the organization and the ultimately target to achieve organizational goal safety and health manager ensure health and safety standards health and safety SOPs एम्प्लाईज़ को यूटिलाइज करके एम्प्लॉज़ की मदद से उन रिसोर्स में रहते हुए उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेहतरीन हेल्थ एंड सेफ्टी के एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस की जा सके और ये भी देखा गया है कि कंपनीज दैट आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सेफ एंडल्दी वर्क प्लेस एम्प्लॉज अ सेफ्टी एंड मैनेजर एट एन अप्रोप्रियट लेवल इन देश हरारकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर के नीचे आपके मैनेजर्स हैं डिप्टी मैनेजर्स हैं असिस्टेंट मैनेजर हैं मैनेजमेंट ट्रेनीस हैं इन में भी बाकायदा तौर पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर को भी मैनेजमेंट के अंदर एक दर्जा दिया जाता है और एक मैनेजर इनका अपॉइंट किया जाता है जिसकी बाकायदा ऑर्गेनाइजेशनल हरारकी होती है और उसके नीचे फिर डिप्टी मैनेजर हेल्थ एंड सेफ्टी असिस्टेंट मैनेजर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आर्गेनाइजेशन के, के तमाम इम्प्लॉज से कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेल्थ एंड सेफ्टी के गोल हैं उनको अचीव करता है सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर में अगर फर्दर देखा जाए द मैनेजर्स पोजिशन इन दी इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द कंपनीज कमिटमेंट एंड एंडरिटीज़ जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी पर उतना फोकस नहीं एज़ कम्पेयर टू मल्टी नेशनल ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेश लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हंड्रेड एम्प्लॉइज से ज़्यादा एम्प्लॉज हैं वहाँ पे इस बात को इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो उस वक़्त तक अचीव नहीं होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के जब तक के बाकायदा डेजिग्नेटेड एक मैनेजर ना हो वहाँ पे दिस मोर दैन एनी द टून फॉर द कंपनी सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम प्रॉब्लम्स सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर्स फेस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि जो मैनेजर्स हैं एक मैनेजर का काम है हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स देखना और बाकी जो मैनेजर्स हैं वो ये इश्यूज फेस करते हैं अब उन मैनेजर्स को इन इश्यूज से बाहर निकालना किसकी ड्यूटी है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स की जो प्रॉब्लम सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड हैं वो कौन कौन सी हैं नंबर वन लैक ऑफ कमिटमेंट कमिटमेंट क्या है सम टोटल ऑफ ऑल द लॉयलिटीज लॉलिटीज इंडिविजुअल हैज दर्गेजेशन अगर एक इंडिविजुअल शख्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड नहीं है तो उसके गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकते वो लाइल नहीं होगा कमिटेड नहीं होगा ऑटोमेटिकली इंटेंशन टू लीव ज़्यादा होगी क्यों इंटेंशन टू लीव ज़्यादा होगी जो लेस कमिटमेंट है इट लीड्स टू वर्ड्स हाई इंटेंशन टू लीव क्यू रिसर्च हैज़ दैट है इज अ स्ट्रॉग रिलेशनशिप बिटवीन कमिटमेंट एंड इंटेंशन टू लीव अगर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स मौजूद हैं तो वहां पे लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं होगी बल्कि हाई कमिटमेंट होगी इंटेंशन टू लीव नहीं होगी बल्कि इंटेंशन टू स्टे होगा नंबर प्रोडक्शन प्रोडक्शन वर्सेस सेफ्टी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट आप लोग इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये सादा अमल सेफ्टी के साथ होना चाहिए जो एसओपी डिसाइडेड हैं डेजिग्नेटेड हैं उन SOPs की मदद से प्रोडक्शन का काम होना चाहिए मुख्तलिफ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका पिक्टोरियल इफेक्ट डेवलप किया जाता है और तमाम इम्प्लाई के साथ उसको शेयर किया जाता है कि इम्प्लाइज को आइडिया हो कि प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह काम करेगा प्रोडक्शन वर्सेस सेफ्टी को हमेशा जेन में रखना चाहिए कंपनी वाइड कमिटमेंट टू सेफ्टी एंड हेल्थ बेहतर ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो वाइड लेवल के ऊपर ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो भी डिसीजन कहती हैं वो इम्प्लॉज से शेयर किए जाते हैं कम्युनिकेट किए जाते हैं लिखे जाते हैं और तमाम लो लेवल से टॉप लेवल एम्प्लॉज़ तक उन चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाता है लैक ऑफ रिसोर्स हमें मालूम है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स कम हैं रिसोर्स में भी फाइनेंशियल ह्यूमन टेक्निकल हिस्टोरिकल कल्चरल कोई भी रिसोर्स अगर वो कम है नो प्रॉब्लम रिसोर्स की कमी का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी अच्छी प्रैक्टिस करने से बाद आ जाएगी नो no.

कि आपको जो टास्क दिया गया है वो कितने वक्त में आप कंप्लीट करते हैं इन सब चीज़ों को इंश्योर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एस ओ पीज़ हैं उसके मुताबिक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा इमेज एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज उसकी सर्विसज पर डिपेंड करता है सर्विस बेसिकली क्या है दीज आर इंटेंजिबल दीज आर सेपरेबल दीज आर नॉन स्टोरेबल दीज आर बेसिकली यू कान टच दैम तो वो जो सर्विसेज का एलिमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस से पहचानी जाती हैं और सर्विसेज की वजह से उनका इमेज डेवलप होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजर्स एजुकेशन टू नो समथिंग अबाउट एवरी थिंग्स ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन सो ही शी कैन परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज इन अ बेटर वे इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग ये दो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी एंड हेल्थ चीज़ों को इंश्योर करने के लिए अगर ये डायग्राम डी स्टूडेंट्स देखा जाए तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं जैसा कि क्वालिटी प्रोडक्टिविटी कॉस्ट रिस्पॉन्स टाइम सर्विस इमेज ऑल दीज आर असेंशल्स इन्ग्रीडियंट्स ऑफ कम्पैटिवनेस कम्पटिवनेस क्या है हाउ यू विल कम्पीट विद य इसको कंपेटिटिवनेस कहते हैं तो इसके साथ ही ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है रूल्स एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैज बिन कंप्लीटेड।